स्त्री, चिकित्सकगण, छात्र, जूनियर डॉक्टर्स, रिसर्चर्स एंड क्वालिफाइड रेस्पेक्टेड डॉक्टर्स, टुडे वी विल टेल टू द स्टूडेंट अबाउट द थर्मोमीटर, नॉट थर्मामीटर, थर्मोमीटर. थर्मोमीटर इज द करेक्ट वर्ड, बट इन जनरल लैंग्वेज वी विल यूज थर्मामीटर. थर्मामीटर क्या होता है? इससे मानव शरीर की तापक्रम की तापक्रम को नापा जाता है. जैसे पानी या दूध को नापने के लिए लीटर होता है, सड़क की दूरी को नापने के लिए मीटर होता है, ऐसे ही मानव का जो तापक्रम है इसको नापने के लिए थर्मामीटर होता है. आज के समय स्वस्थ व्यक्ति का जो टेम्परेचर होता है वो 98.6 होता है. आज के 40 साल पहले ये 98.4 होता था. अब ये खान पान के बदलाव में इतना अंतर आ गया है, 98.6. जब टेम्परेचर 98.6 से ऊपर होता है तब इसे कहते हैं ज्वर या बुखार चढ़ गया है. जब इससे कम होता है तो फिर कहते हैं कमजोरी आ गई है, बीपी कम हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं. तो सामान्य 98.6, और इसे नापा जाता है डिग्री में. डिग्री में तो अब देखें, ये है थर्मामीटर. ये कांच की नली होती है और इस कांच की नली में ये निशान लगे होते हैं, लिखा होता है 98.6, 100, 101, 102, 103 एंड अप टू 108. इस इन दिस साइड इट इज रिटन 100, 99, 98, 97, 86. देर इज ए बल्ब. दिस इज द बल्ब आर ए ग्लास पोर्शन हियर मरकरी बिकम फिट. पारा, इसमें पारा भरा होता है और पारे का कार्य होता है जरा सा ऐसे करे तो गर्मी में तुरंत आगे बढ़ता है. पेशेंट को प्रयोग करने के पहले इसको वाश करते हैं और इसको इस प्रकार से झटक दिया जाता है. तो अगर पहले वाले पेशेंट का इसमें कहीं पर भी कोई पारा चढ़ा हुआ है या मौसम की गर्मी के कारण चढ़ा हुआ है तो ऐसे कर देने पर ये शून्य में आ जाता है. अब इस पोर्शन को जीभ के नीचे, दांतों के और जीभ के नीचे या बगल में इसे लगाया जाता है 1 से 1.5 मिनट तक. तो पारा एक सीमा पर जाके रुक जाता है, फिर उसको देखते हैं. और उसको देखने के लिए ऐसे ये सामान्य होता है, इसको ऐसे घुमाते हैं धीरे धीरे तो एक चमकदार लाइन दिखाई पड़ती है जो एक जगह जाके स्थिर हो जाती है. जहाँ स्थिर होती है वही इसकी रीडिंग होती है. अगर ये 100 पर स्थिर है तो 100 डिग्री सेल्सियस, अगर ये 2 पर स्थिर है तो 102 डिग्री सेल्सियस, 4 पर है
तो 104 डिग्री सेल्सियस। अब बता दें कुछ संस्था के बारे में। संस्था वर्ष 1987 से प्राथमिक चिकित्सा के क्षेत्र में CMS का डिप्लोमा पाठ्यक्रम करवाती है, हानि रहित एलोपैथी दवाओं में उन डॉक्टर्स को जो 5 साल से 10 साल 20 साल से अनुभव बेस पर चिकित्सा कार्य कर रहे हैं। इन्हें महीने में 2 दिन बुलाया जाता है, स्पेशलिस्ट बुलाए जाते हैं, दवाओं के बारे में जनरल जानकारी अच्छी जानकारी दी जाती है, कैसे मरीज से व्यवहार किया जाए। यद्यपि ये सब इसमें परफेक्ट होते हैं, इन्हें जानकारी देने की कोई आवश्यकता नहीं है, चूँकि लंबे समय से कर रहे हैं, फिर भी कुछ कमियां होती हैं, उनको संस्था दूर करती है। संस्था की वेबसाइट है www.saimission.org। इसे गूगल में सर्च करें, इसमें जैसे निकल के आएगा, इसके अंदर 12-15 हेडिंग है, हर हेडिंग में 4-4, 5-5 पन्ने हैं, एक एक शब्द ढंग से पढ़ें। और अब अगर आपके यहाँ इंटरनेट सुविधा नहीं है तो एक दिन के लिए कस्बे में या सिटी में चले जाएं, किसी कैफे में जाकर के पूरी वेबसाइट की फोटोकॉपी के पन्ने निकलवा लें और घर में आकर के पढ़ें। संस्था की नियमावली मंगाने के लिए, प्रॉस्पेक्टस मंगाने के लिए इन नंबर्स पर अपना नाम पता SMS कर दें या WhatsApp कर दें। हम रजिस्ट्री से एक निःशुल्क नियमावली भिजवाएंगे, जिसका कोई पैसा नहीं है।